एक्सरसाइज 13.3 का फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेम वही है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पिछले क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे नंबर्स को उसी तरीके से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है अब उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें जो भी नंबर दिया होगा उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो एक एक करके इसको अपन व्हाइट बोर्ड में देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ए का यहां दिया है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज थ्री एट फोर ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो मीटर तो अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है ठीक है अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ यानी कि एट थर्टी एट करोड़ फोर्टी लैख मीटर आप बोल सकते हो ठीक है लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा थ्री पॉइंट एट फोर ठीक है उसके बाद पूरा जीरो से चालू है इन टू टेन रेज्ड टू द पावर यहाँ से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पहले डिजिट को छोड़ देना है टेन टू दावर एट मीटर क्योंकि इसका जो कुछ भी आपको यूनिट दिया होगा वो यूनिट साथ में आप जरूर लिख देना सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है वहां पर आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया गया था यहां पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ डिफरेंस नहीं है आगे बढ़ते हैं इसका बी देखते हैं बी में दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज थ्री डबल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में वो इतना मीटर पर सेकेंड है अब इसको शॉर्ट करके अगर हमको लिखना है तो कुछ नहीं है आपको जीरो काउंट कर लेना है बस क्योंकि यहीं से ही जीरो स्टार्ट है तो थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू दावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीटर पर सेकेंड ठीक है याद रखो ये जो यूनिट दिया हुआ है ये यूनिट आपको साथ में जरूर लिखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका सी सी में है थर्ड दिया है डायमीटर ऑफ अर्थ इज वन टू सेवन फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो मीटर जो अर्थ का डायमीटर है वो इतना मीटर का है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन के बाद तो आप डेसिमल लगा लो उसके बाद जहां तक काउंटिंग नंबर जा रहा है जीरो छोड़ के ठीक है यहां से जीरो कंटिन्यूस स्टार्ट है तो यहां तक का हमको नंबर लिखना है टू सेवन फाइव सिक्स बस अब यहां से जीरो स्टार्ट है इन टू टेन रेज टू दावर अब ये चीज आपको ध्यान में जरूर रखना है कि हमको सिर्फ जीरो का काउंटिंग करके इसका पावर में नहीं लिखना है वन को छोड़ के यानी कि पहला डिजिट को छोड़ के लेफ्ट साइड से पहला डिजिट छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो टेन के पावर होंगे ठीक है तो इसका पावर कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मीटर ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका डी जो प्रॉब्लम है डी में दिया है डायामीटर ऑफ सन इज वन फोर डबल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो मीटर सन का जो डायमीटर है वो इतना है अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.4 पॉइंट के बाद से सारे जीरो से स्टार्ट है तो सिर्फ 1.4 पॉइंट फोर इन टू टेन रेज टू दावर काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ हो गया नाइन मीटर याद रखो बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो साथ में जो कुछ भी इसका आ, यूनिट दिया होगा वो यूनिट आपको ज़रूर लिखना है आगे बढ़ते हैं इसका ई e प्रॉब्लम देखते हैं ई e में दिया है इन अ गैलेक्सी देर आर ऑन एन एवरेज वन डबल जीरो ट्रिपल जीरो अगेन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो स्टार्स ठीक है एक एवरेज कैल्कुलेशन है कि, कि किसी भी गैलेक्सी में इतने स्टार्स हो सकते हैं ठीक है हम जिस गैलेक्सी में वो गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है इस गैलेक्सी को छोड़ के और भी बहुत सारे गैलेक्सीज हैं ठीक है तो <laughs> हर गैलेक्सी में एक एवरेज कैलकुलेशन है कि इतने स्टार्स होते हैं अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इसको पढ़ना मुश्किल है वन ट्रेड थाउजेंडेंड लाख टेन लाख करोड़ टेन करोड़ हंड्रेड करोड़ थाउजेंड करोड़ एंड लाख करोड़ वन लैख करोड़ हो जाएगा ठीक है तो वन लाख करोड़ बोलने से ज्यादा अच्छा हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वन इन टू आप पॉइंट जीरो भी लिख सकते हो पॉइंट जीरो नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वन इन टू टेन रेज टू दी पावर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टू पावर इलेवन स्टार्स इतने स्टार्स हैं यहां पर आप स्टार्स नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा क्योंकि स्टार्स कोई यूनिट नहीं है आपको यूनिट जरूर लिखना है ठीक है अगर किसी चीज का यूनिट दिया हुआ है किसी का मेजरमेंट दिया हुआ है तो वो चीज आपको जरूर लिखना है यहां पर आप अगर स्टार्स नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा आगे देखते हैं एफ द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट वन टन टू डबल सॉरी ट्रिपल जीरो अगेन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ईयर्स ओल्ड ठीक है जो अपना यूनिवर्स है वो एक एक एवरेज कैलकुलेशन है एक एस्टिमेट है कि लगभग इतने साल पुराना है अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल पहला डिजिट तो एज इट इज लिख देंगे उसके बाद डेसिमल लगा देंगे फिर जहां तक जीरो छोड़ के जो नंबर होगा वो उसको लिख लेंगे यहाँ से यहाँ के वन पॉइंट टू टू के आगे सब जीरो है इन टू टेन रेज टू दावर यहाँ से काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इतना ईयर्स ओल्ड ठीक ये ईयर्स ओल्ड नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा ठीक है एफ के बाद जी क्वेश्चन देखते हैं जी में प्रॉब्लम में दिया है द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्जी इज एस्टिमेटेड टू बी देखो मिल्की वे का जो सेंटर है ठीक है हमारा जो गैलेक्जी है मिल्की वे उसके सेंटर से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है थ्री डबल जीरो देन ट्रिपल जीरो अगेन ट्रिपल जीरो फिर से ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो मीटर ठीक अब इसको पढ़ना तो लगभग नामुमकिन जैसा है ठीक है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पढ़ना इजी हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन रेज टू दावर काउंट कर लो वन टू थ्री को छोड़ के पहला जो डिजिट रहेगा उसको छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे वो टेन के पावर में चले जाएंगे वही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री इंटू टेन रेज टू द पावर ट्वेंटी मीटर ये बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है इसको आप पढ़ नहीं सकते हो ठीक है हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स के सॉरी मिल्की वे के सेंटर से लेकर अर्थ का जो डिस्टेंस है सन का जो डिस्टेंस है हाँ सन का जो डिस्टेंस है वो थ्री इंटू टेन रिज द पावर ट्वेंटी मीटर है ठीक है जी के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम एच में दिया है सिक्स ज़ीरो टू थ्री जीरो ज़ीरोन अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो है ज़ीरो 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेंड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम अब देखो यहां पर आपको दो नंबर्स दिए हुए एक 1.8 दिया है और दूसरा ये दिया हो तो 1.8 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है वो रीडेबल है वो ईजिली आप पढ़ सकते हो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1.8 ग्राम का जो वाटर है ठीक है एक ड्रॉप में वाटर का जो एक ड्रॉप होता है 1.8 ग्राम होता है उस 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है थीके? अब इस मॉलिक्यूल्स को हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप सिंपल लिखोगे सिक्स पॉइंट अब देखो यहाँ जीरो के बाद नंबर्स हैं तो जहां तक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा वहाँ तक आपको जाके इसको लिखना है तो जीरो टू थ्री इन टू उसके बाद कंटिन्यूस जीरो स्टार्ट है इंटू टेन रेज टू दी पावर आप काउंट करके लिख लो क्या थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन थ्री ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन थ्री एटीन और थ्री ट्वेंटी okay, वन और 22 ट्वेंटी टू ठीक है ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स ठीक है <coughs> तो ये वन ड्रॉप ऑफ जो वाटर होता है जो जिसका वेट लगभग वन पॉइंट एट ग्राम होता है उसमें सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है उसके बाद दो और प्रॉब्लम्स है यहीं पर देख लेते हैं आई में क्या दिया हुआ है आई में दिया है द अर्थ हैज वन थ्री फाइव थ्री ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर ठीक जो अर्थ है उसमें सी वाटर कितना है ये उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है ठीक है इतना क्यूबिक किलोमीटर तक का वो अर्थ में सी वाटर है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये होगा 1.353 उसके आगे कंप्लीट जीरो है इंटू टेन रेज टू पावर काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इज टू पावर नाइन क्यूबिक किलोमीटर ठीक जो यूनिट दिया है आपको यूनिट लिख देना है उसके बाद लास्ट है एक जे इसी में देख लेते हैं जे को भी जे में दिया द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट वन जीरो टू सेवन वन जीरो टू सेवन ट्रिपल जीरो ट्रिपल जीरो इन मार्च टू थाउजेंड वन अब मार्च 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन इतना था ठीक है अब सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 1.027 पॉइंट जीरो टू सेवन इंटू टेन रेज टू दावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बस इसको आगे उसका कोई यूनिट है ही नहीं ठीक है ये पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का कोई यूनिट नहीं होता तो सिर्फ आप इतना ही लिख सकते वन पॉइंट जीरो टू सेवन इंटू टेन रेज टू द पावर नाइन इतना पॉपुलेशन इंडिया का था मार्च टू में ठीक है तो ये एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इसी के साथ ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर में भी तो आप मेरे को ई कर लीजिए आपको ई मेल मेरा आपको इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मैं आपसे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लूँगा और व्हाट्सअप में फिर आप मेरे से चैट करके या वीडियो कॉल करने कॉल करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो तो इस, इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स को स्टार्ट करेंगे